हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इग्नू असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइन के बारे में और हमारा जो तो रीजनल सेंटर है दिल्ली टू जो कि गांधी समिति राजघाट वाला है उसकी असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस आ गई हैं दिसंबर 2021 सेशन के लिए ऐसे बच्चे जो दिसंबर 2021 में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे या थर्ड ईयर के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के तो उनके लिए असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस आ गई हैं यानी कि कुल मिला अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया हुआ है न्यू एडमिशन जनवरी दो सेशन में या फिर उससे पहले आपने न्यू एडमिशन लिया हुआ है तो आपकी जो अगर दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो आप फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं सितंबर के एंड तक तो उसकी जो सबमिशन की गाइडलाइंस हैं दिल्ली रीजनल सेंटर टू की वो रिलीज़ कर दी गई हैं अभी वन और थ्री की नई आई हैं तो वन और थ्री की वेबसाइट भी आप रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहिए अगर आप वन और थ्री से बिलोंग करते हो तो जो तो रीजनल सेंटर टू है उसकी असाइनमेंट की गाइडलाइंस अगर हम देखें तो हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको अबाउटस के सेक्शन में असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आप आओगे तो दो पी आपको मिलेंगे पहले हम फर्स्ट वाला पी डाउनलोड करते हैं इसमें देखते हैं क्या बताया गया है तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो असाइनमेंट होंगे कोविड क्राइसिस की वजह से वो असाइनमेंट सॉफ्ट कॉपी में स्टडी सेंटर को सबमिट करने हैं ईमेल के थ्रू 30 सितंबर तक अभी 30 सितंबर ऑब्वियसली लास्ट डेट एक्सटेंड होती है कुछ गाइडलाइंस है। हैं इनके अकॉर्डिंग असाइनमेंट आपके हैंड रिटर्न होने चाहिए और प्रॉपरली स्कैन होनी चाहिए फर्स्ट पेज ऑफ ईच असाइनमेंट यानी कि हर सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट होगा उसका जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आपका नाम होना चाहिए इनमेंट नंबर होना चाहिए आपके स्टडी सेंटर का कोड होना चाहिए कोर्स कोड होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर और ई मेल होना चाहिए ईच पेज ऑफ द असाइनमेंट मस्ट बी साइन बाय द स्टूडेंट आइदर ऑन द टॉप और बॉटम यानी कि असाइनमेंट का हर पेज जो होगा उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए या तो सबसे ऊपर कर दीजिए सिग्नेचर पेज में या सबसे नीचे स्कैन योर असाइनमेंट बाय यूजिंग मोबाइल और कैम स्कैनर सेपरेटली वन बाय वन द स्कैन कॉपी शुड बी वेरी क्लियर यानी कि असाइनमेंट आपको प्रॉपर्ली स्कैन करना है ठीक है यानी कि पी जो बनाओगे असाइनमेंट की प्रॉपर्ली क्रॉप पी डी होनी चाहिए प्रॉपर्ली उसमें दिखना चाहिए आपका फॉर ईच कोर्स द असाइनमेंट रिस्पॉन्स शुड बी स्कैन इन सिंगल पी डी एफ फाइल मीन्स इफ देर आर फाइव क्वेश्चन इन वन असाइनमेंट देन देयर शुड बी देर शुड नॉट बी देर शुड नॉट बाई फाइव पी डी एफ फाइल इट शुड बी वन सिंगल पी डी एफ यानी कि सिंपल सी बात है यार अगर आपके पाँच सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट बनेगा उसमें पाँच क्वेश्चन है तो हर सब्जेक्ट की एक पी डी एफ बनेगी सिंपल सी बात है द स्कैन असाइनमेंट फॉर ईच कोर्सेज कैन बी सेंड सेपरेटली थ्रू ई मेल्स ऑल असाइनमेंट ऑफ ऑल कोर्सेज कैन नॉट बी अटैच टुगेदर इन अ सिंगल ई मेल तो स्कैन असाइनमेंट जो होंगे आपके वो आपको ई मेल के थ्रू सेंड करने हैं ऑल असाइनमेंट ऑफ ऑल द कोर्सेज कैन नॉट बी अटैच टुगेदर इन अ सिंगल ई मेल यानी कि सारे असाइनमेंट सिंगल ई मेल में अटैच नहीं हो सकते द फाइल नेम शुड स्टार्ट विद योर इनरोलमेंट नंबर फॉलोड बाई योर कोर्स फॉर एग्जाम्पल इफ योर इनरोलमेंट नंबर इज दिस एंड योर एंड यू इंटेंडेड टू सबमिट योर एम ई जी वन असाइनमेंट दैन फाइल नेम शुड बी गिवन एज दिस बेसिकली आपको जो फाइल नेम देना है अपने असाइनमेंट की पीडीएफ का वो आपका इनरोलमेंट नंबर और जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट सबमिट कर रहा हो उस सब्जेक्ट का जो कोड है उसके नाम से आपको फाइल नेम देना है इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिट योर असाइनमेंट एट योर स्टडी सेंटर प्लीज़ इग्नोर हो सकता है आपने स्टडी सेंटर पर इसकी हार्ड कॉपी सबमिट कर दी हो तो उस केस में आपको ऑनलाइन सबमिट करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन और लिंक है अलग अलग स्टडी सेंटर वाइज इस पी को हम डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए लर्निंग सपोर्ट सेंटर लिस्ट यहाँ पर है फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर टी दिसंबर दो हज़ार इक्कीस यहाँ पर स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है आपका स्टडी सेंटर ये है तो ईमेल आपकी ये होगी ये ईमेल है या फिर आप बाय हैंड भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो ठीक है और अगर आपका स्टडी सेंटर ये है तो असाइनमेंट सबमिशन लिंक विल बी अपडेटेड शॉर्टली कुछ स्टडी सेंटर का जो लिंक है वो हो सकता है अभी नहीं आया हो तो वो जल्द ही आ जाएगा तो आप इसको ज़रूर से चेक करते रहिए इस वेबसाइट को बाकी यहाँ पे इस ईमेल आईडी गिवन है अलग अलग सेंटर की आप इस ईमेल आईडी को सेंड कर सकते हो अच्छा जिन स्टडी सेंटर के आगे बाय हैंड लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि आप उस पर्टिकुलर स्टडी सेंटर में बाय हैंड भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल बैचलर सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम असाइनमेंट सबमिशन फॉर दिसंबर टू विल बी थ्रू ऑनलाइन मोड वी आर एक्सेप्टिंग ऑनलाइन असाइनमेंट एट दिस तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस कोर्स के असाइनमेंट इस लिंक पे सबमिट होंगे और नीचे प्रोग्राम कुछ अलग अलग, अलग प्रोग्राम हैं जैसे एम फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के उनके अलग अलग गूगल फॉर्म लिंक हैं इसके अकॉर्डिंग आपको सबमिट करने हैं ठीक है तो इस तरह से ये आपको स्टडी सेंटर वाइज लिस्ट भी मिल जाएगी कि, कि किस स्टडी सेंटर का असाइनमेंट किस लिस्ट किस ईमेल पर आपको सेंड करना है कुछ स्टडी सेंटर बाय हैंड असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं ओनली उनके आगे ई मेल नहीं है तो अगर आपका स्टडी सेंटर ऐसा है जिसके आगे बाय हैंड लिखा हुआ है तो आपको बाय हैंड के थ्रू ही असाइनमेंट सबमिट करने होंगे ठीक है तो यही दोस्तों वीडियो में अपडेट थी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपना जो असाइनमेंट स्टडी सेंटर है वो देख सकते हो कुछ को आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकते हो कुछ के गूगल डॉक्यूमेंट भी निकाले उन्होंने गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म जो होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा कुछ क्वाइरीज हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं अभी के लिए वीडियो में इतना ही थैंक यू